नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कोविन सर्टिफिकेट को लेकर। जिन लोगों के वैक्सीन मतलब लग चुकी है, जिनके पास सर्टिफिकेट है कोविन का, आप जो है अपना नेशनल हेल्थ आईडी कार्ड बना सकते हैं। ये कोविन की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट आप सभी के लिए आया हुआ है, तो आपके पास अभी मौका अच्छा है नेशनल हेल्थ आईडी कार्ड बनाने के लिए। जिन लोगों का नेशनल हेल्थ आईडी कार्ड नहीं बना है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको बनाना है। पूरी जानकारी के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। सो गाइस, वीडियो पर बने रहे ताकि आप भी सीख सके कि नेशनल हेल्थ आईडी कार्ड कैसे बनाते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मैं हूं मुकेश। आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल वर्ल्ड एमजी चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में नोटिफिकेशन का बेल दबाना ना भूले, ताकि ऐसी हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी वैक्सीन लगा ली है, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको नेशनल हेल्थ आईडी कार्ड कैसे बनाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो गाइस लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले आपको अपनी क्रोम ब्राउजर में आना है और यहां पर आपको टाइप करना है सर्च बार में कोविन। एक सेकेंड, इसको हमने हिंदी में क्या हुआ इंग्लिश कर लेते हैं। यहां पर kovin.government.in आपको ये डालकर सर्च कर लेना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से भी आप इजली कर सकते हैं। यहां पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा गाइस। यहां पर आप देख पा रहे हैं कोविन, यहां पर कुछ यहां पर देखने को आपको मिलेगा। आपको करना क्या गाइस, यहां पर रजिस्टर एंड साइन इन का ऑप्शन दिया गया है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही गाइस इस पर आप क्लिक करते हैं, आपको यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालना है जो कि आपने वैक्सीन लगाते समय यहाँ पर डाल मतलब दिया था। तो चलिए यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा जो कि आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो चलिए हम ओटीपी का वेट करते हैं। ओटीपी आने के बाद यहाँ पर यह देखिए हमारा ओटीपी आ चुका है। यहाँ पर हम ओटीपी डाल लेते हैं, आपको ध्यान से डालना है। और उसके बाद आपको सिंपली सा वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाइड एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी दोनों डोज का आ जाएगा, आपने कब कब लगाई थी, और यहाँ पर रेफरेंस नंबर वाला आपका नाम भी ये शो कर देगा। उसके बाद आपको करना क्या गाइस, आपको सबसे नीचे आ जाना है लास्ट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट ABHA डाला गया है, आपको क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है लास्ट में। यहाँ पर देख पा रहे हैं जनरेट ABH नंबर मुकेश झा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है स्क्रॉल डाउन करके। यहाँ पर आई एंड एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिया गया है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं गाइस, यहाँ पर आपसे आधार कार्ड का नंबर मांगा जाएगा जो कि 12 डिजिट का होता है, यहाँ पर आपको फिल करना है। तो चलिए फिल कर लेते हैं। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर दिखा रहा है आधार इज टोकन नॉट वैलिड, एक मिनट दोबारा ट्राई करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही सबमिट किया, यहाँ पर हमारे आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा जो कि हमें यहाँ फिल करना है। हमारा ओटीपी आ चुका है और उसके बाद आपको ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं योर आभार नंबर हैज़ बीन सक्सेसफुली, यहाँ पर हमारा आभार नंबर आ चुका है। तो इस तरह से आप जो है बहुत ही ईजिली तरीके से यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। गाइज, आप भी इस तरह से आप अपना जो है नेशनल आयुष्मान नेशनल हेल्थ आईडी कार्ड बहुत ही इजीली तरीके से बना सकते हैं जिन लोगों के वैक्सीन लग चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग सीख गए होंगे कि आयुष्मान नेशनल हेल्थ आईडी कार्ड कैसे बनाते हैं।
ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर हमें कमेंट करके बताएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में नोटिफिकेशन का बेल ऑन ना भूलें ताकि ऐसी हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। इसके लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।